नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। आज हमारे बीच में हमारे मेरा प्लेसमेंट होगा हेलो अनुशासन के बहुत ही होनहार छात्र रवि जी प्रेजेंट है। रवि जी ने रिसेंटली सिफी टेक्नोलॉजी जॉब ग्रैब किए। रिसेंटली इनका प्लेसमेंट लगा है आईटी नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट में, विच इज बेसिकली आईटी जॉब। एंड सिफी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं अभी रिसर्च कर रहा था, इट्स एन अमेजिंग आईटी कंपनी। तो रवि जी ने बीई की हुई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। तो रवि, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम नॉलेज गेट। थैंक यू सर, और इस थैंक यू पर्टिकुलर सर। वीडियो में रवि की पूरी जर्नी हम डिस्कस करेंगे, कैसे उन्होंने प्लेसमेंट लिया। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको, आप सभी लोगों को मिलने वाला है इस सेशन से। रवि, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बार अपने बारे में जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दीजिए। सर, मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है। सर, बेसिकली मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, मैंने शुरू में इंटर ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इलाहाबाद से किया। उसके बाद मैंने एक साल कोटा तैयारी किया था सर, जेई मेंस का मैंने दिया था, जिसमें सर 89% आया था। उसके बाद सर मैंने काउंसलिंग कराया, जेई मेंस के थ्रू मुझे आगरा का इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मिला, जिसमें कंप्यूटर साइंस। उसके बाद सर 4 साल रहने के बाद सर प्लेसमेंट का 2020 में सर लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत हुआ। देन सर कंप्लीटेड होने के बाद भी सर जॉब का कोई ऑफर नहीं आया था। सर अप्लाई करने के बाद सर थैंक यू फॉर अप्लाइंग, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आता था। उसके बाद सर मैंने गेट की भी तैयारी की थी, तो सर संचित सर से मैंने पढ़ा था एक सर, तो उसके बाद सर नॉलेज गेट के बारे में पता चला। उसके बाद से सर मेरे कॉलेज में सर कई बच्चे आपसे भी पढ़ते थे, यस भैया यस भैया, तो मैंने उनसे भी सुना था। और नॉलेज गेट संचित सर से भी पढ़ते थे, तो वहाँ से भी सुना था। तो उसके बाद मैंने 3-4 महीने सेल्फ प्रिपरेशन किया, उसके बाद भी नहीं कुछ हुआ सर। तो सर मैंने नॉलेज गेट का कोर्स, अब मेरा प्लेसमेंट होगा लेने का डिसाइड किया सर। ओके इसके बाद से बहुत सारा हेल्प, एप्टीट्यूड सर बेसिकली मेरा बहुत वीक था, जिसको आपसे पढ़ने के बाद काफी अच्छा होगा सर। अच्छा रवि, जो पहला सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपसे पूछूंगा, लाइक एक बार एक सेमिनार के सिलसिले में मुझे गोरखपुर जाने का मौका मिला, तो जी आप गोरखपुर की बात कर सर, लीजिए या इन जनरल उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आगरा की बात कर लीजिए। गोरखपुर में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब तो जी सर, अगर आप एक जी इंजीनियरिंग का सपना भी देख रहे हो, प्लेसमेंट दूर की बात है, अगर आप यू नो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने का सपना भी देख रहे हो, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे माहौल में रह करके कैसे आपने डिसाइड किया कि यार मुझे आईटी प्लेसमेंट लेना चाहिए? वो थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? सर कोई मोटिवेटिंग फैक्टर था? किसी ने आपको गाइड किया? थोड़ा सा एक बार उस जर्नी के बारे में बताइए। जस्ट बेसिकली मेरे दोस्त भी रहते थे, और जो मेरे कॉलेज के टीचर थे सर, वो बेसिकली आईआईटी एनआईटी से पढ़े हुए थे लोग। उन्होंने भी बताया था सर कि इसमें रिसेशन चल रहा है, बहुत दिक्कत होगा, और ऐसा करो कोई प्लेसमेंट वाली कोर्स ज्वाइन कर लो, इधर तुम्हारा माइंड भी उतना डाइवर्ट नहीं हो सर। उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जब जॉब नहीं लगता आप बस आउट हो चुके हैं, जॉब ना लगाओ, सब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई क्रिएट होता है, ओवर थिंकिंग ज्यादा होने लगती है। तो सर लोगों ने भी डिसाइड किया कि हाँ नॉलेज गेट से ही पढ़ लो, अच्छा है, कास्ट भी कम है और इफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। तो रवि, जब उसके बाद आपने सर मैंने डिसाइड किया कि फाइनली के प्लेसमेंट की मेरे को तैयारी करनी है, तो एक तो होता है कि लाइक गाइडेंस की कमी होती है, तो कैसे आपने प्लान किया कि ये मेरा प्लेसमेंट पाथ है, मैं इसको फॉलो करने वाला हूँ? अपनी एक बार प्लेसमेंट की जर्नी के बारे में बताइए, लाइक एज एन आपने कब से शुरू किया प्लेसमेंट की जो सिंसियर तैयारी होती है, वो कितने दिन पहले से शुरू की, कैसे कैसे कंपनीज में अप्लाई किया, रोड मैप वगैरह आपको कैसे पता चला? सर जैसे ही पास आउट हुआ उसके बाद सर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया, 4 महीने सर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सर मैंने डिसाइड किया कि प्लेसमेंट का कोर्स लें। देन सर उसके बाद आप फर्स्ट सेशन लिए थे, उसमें सर आपने बहुत अच्छा से रोड मैप पूरा बताया था, उसको मैंने फॉलो किया सर। डेली जो आप क्लासेस, डेली क्लासेस होती थी, उसके बाद वो क्लास देखने के बाद एक बार फिर मैं रिकॉर्डिंग देखता था। रिकॉर्डिंग देखने के बाद सर जो आपके पीडीएफ होते थे उसको लगाता था, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ सर। तो असल यहाँ का एप्टीट्यूड हुआ तो सर नाम मात्र का हुआ। अच्छा, मतलब एप्टीट्यूड का पेपर इनका काफी आसान आपको लगा होगा कि आपने लाइक क्लासेस देखी, तो उसके बाद आपने इतना अच्छे लेवल पर एप्टीट्यूड पढ़ लिया कि आपको एग्जाम काफी इजी लगा।
तो अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे नहीं पता, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फाइनल ईयर के होंगे जो मतलब जिनको नहीं पता होता कि प्लेसमेंट के लिए क्या क्या रोड मैप फॉलो करना होता है, उनके लिए बाद आप कुछ बुलेट पॉइंट्स बता में सकते हैं कि लाइक हमने क्या क्या पाथवे हमको फॉलो वो करना चाहिए टू गेट गुड प्लेसमेंट? इसीलिए चेंज किए थे। सर एक तो यहाँ पे अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज किसी ना किसी कोर्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो एक तो जैसे आप हैं सर, आप तो गाइडेंस देते रहते हैं बीच बीच में, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ। और दूसरी बात है कि डेली जो क्लासेस में होमवर्क मिल रहे हैं उसको डे बाय डे करते रहे, और डेली अप्लाई, और जो आप ग्रुप में आपके आते रहते हैं उनको अप्लाई कीजिए, बाकी जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो रहा है उनको अप्लाई करते रहिए, नहीं, कहीं ना बेसिकली कहीं मैं हो जाएगा पिलर्स की बात कर आपको। रहा था कि क्या क्या चीजें पढ़ना जरूरी हैं, एज इन लाइक एप्टीट्यूड पढ़ना है या कोडिंग पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? नहीं सर, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग ऑलमोस्ट दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। रेज्यूमे का कितना यस वेटेज होता है, लाइक कितना इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छा रेज्यूमे होना? सर, मेन तो इसमें रेज्यूमे ही है सर। रेज्यूमे सर, आप एक कोर्स रेज्यूमे बिल्डिंग का भी बताए थे, उससे सर मैंने अपना रेज्यूमे बनाया था। उसके पहले रेज्यूमे सिलेक्ट ही नहीं होते थे, तो उसके बाद मैंने अनुशासन के, उसके हाँ, अकॉर्डिंग रेज्यूमे बनाया, आपने फिर उसके देन अकॉर्डिंग सिलेक्ट हुआ सर। बनाया तो फिर सिलेक्ट होने लगा। तो देखिए, ये तो मैं हमेशा हर बच्चे से बोलता हूँ कि आपके हिसाब से आप हमेशा परफेक्ट रिज्यूमे बनाते हो, बट वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब आप अपना रिज्यूमे वेरीफाई करा लेते हैं किसी ऐसे सीनियर से जिनका खुद का प्लेसमेंट लगा हो या हमारे थ्रू, तो एक 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 आइडिया मिल जाता है कि यार हाँ, मेरा रिज्यूमे सही है, एंड इवेंचुअली आप कंपनीज में अप्लाई करते हो और वो सिलेक्ट होने लगता है। और मॉक इंटरव्यू आपने दिया था क्या हमारे साथ एक बार भी? ये खुल गई रही क्या सर? मॉक इंटरव्यू नहीं दिए थे क्योंकि सर उस तो बीच में टाइम नहीं मिला था सर, काफी ज्यादा आपके तो जो होमवर्क था डेली उसको प्रैक्टिस करना रहता था, आपको पास आउट भी हो गए तो प्रेशर अलग से क्रिएट हो गया अनुशासन कोर्स आपको बाकी कोर्सेज से बेहतर क्यों लगा? ऐसा क्या आपको फैसिलिटीज उसमें मिली जिनको आपने यूज किया और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला? सर। एक तो मेन मोटिव इस पर था कास्ट का सर, कास्ट सर उस समय लोग नियर अबाउट 12,000 रुपये मिला था सर। तो सर एक तो जैसे मेरी फैमिली में पापा नहीं है, और दूसरी वजह से हम लोग फार्मर हैं, तो यहाँ तक तो सर 50 या 60 हज़ार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सेकेंड थिंग सर, एक तो डेली बेसिस क्लासेस, लाइव क्लासेस, फिर मेंटर असाइनमेंट, जो भी प्रॉब्लम्स हो आप तो सॉल्व कर लीजिए, या फिर लाइव क्लास में फिर मेंटर से या फिर अलग मीटिंग शेड्यूल करा लीजिए सर। इतना तो कोई प्रोवाइड नहीं करेगा सर। तो जैसे आपने मेंटर की बात बोली, तो कितना जरूरी होता है मेंटर? लाइक एज एन डाउट आता है तो और प्लेटफॉर्म्स आपको मेल सर्विसेज देते हैं कि भैया इधर ईमेल करो, उधर ईमेल, इधर, तो हम सीधे आपको मेंटर का और मेरा खुद का पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी दे दिया है कि कोई भी डाउट यस कंफ्यूजन हो डायरेक्टली कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो और इंस्टेंट आपका डाउट तो रिजॉल्व हो मैंने अभी सकता एक है। वीडियो सर, वो तो मेल के थ्रू आप मेल पे या वीडियो कोई भी सेंड करके आप या फिर गूगल से ही सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो आपको मीटिंग शेड्यूल करके या फिर फोन पे जैसे दोस्त समझाते हैं यार ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो स्टेप बाय स्टेप, वो चीजें तो नहीं मिल सकती हैं सर बिल्कुल, किसी और के थ्रू। यस। रवि, आपने हमारे टेस्ट भी अटेम्प्ट किए होंगे, तो टेस्ट पोर्टल के बारे में क्या यस सर फीडबैक है आपका कि जो एनालिसिस पार्ट मिलता है आपको टेस्ट में, वो कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है? सर, वही तो मेन रहता था कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं, इतना अफोर्ड करने के बाद भी सर वो नियर वो टेस्ट का 90% क्वेश्चन आया था। ओके, तो मतलब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही होता है कि यार कोर्स में जो पढ़ाया गया वो कंपनी में पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, तभी तो कोर्स लेने का मतलब है। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे, इंक्लूडिंग यू, आप बोलते हो कि 80-90% पेपर एज इट इज जो हमने आप कोर्स में पढ़ा हुआ है उसमें से आ गया, तो ये बात रियल थी जो आपने पेपर दिया? सिफी टेक्नोलॉजीज का कुछ कंटेंट रिपीट हुआ था? यस तो इसमें एक चीज और मैं सर, पूछ रहा था, जैसे लाइक एक तो होता है रिकॉर्डेड कंटेंट, दूसरा डेली हम लाइव आ रहे हैं, डेली आपको मोटिवेशन मिल रहा है, एनवायरनमेंट मिल रहा है, ये बिल्कुल कितना ज्यादा जरूरी होता था आपके लिए? बहुत सर। एक तो डेली आप मोटिवेट रहते थे कि हाँ मुझे करना है, प्लेसमेंट लेना है, ये मेन रहता था उसे। अगर डेली आप क्लासेस नहीं ले रहे हैं, डेली लाइव नहीं आ रहे हैं, तो इसमें होता था ब्रेक हो जाता था,
चीजें थोड़ी पीछे हट जाती थी, एकदम तो क्लासें अक्सर क्लास लेंगे शाम को, ये वाले पार्ट को रिपेयर कर लेते हैं, या फिर ये वाला पहले पढ़ाए थे इससे रिलेटेड भी हो सकता है, और नेक्स्ट जो आप रिकॉर्डिंग देते थे उन चीजों को हम देख लेते थे। हाँ, तो रवि मूविंग अहेड, इसमें एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एज इन जैसे जो जैसे कोर्सेज होते हैं तो उसमें तो हमको कंटेंट मिल जाता है, बट एक्चुअल तो हमको जॉब चाहिए ना, तो जॉब के लिए पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, साथ में हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलना बहुत जरूरी है, तो अनुशासन में हम आपको डेली अपॉर्चुनिटीज दे रहे होते हैं, वो आपके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? सर मैं बता रहा हूँ सर, जैसे हम डेली ढूंढ देते थे तो उसमें बहुत सारे फेक भी आ जाते थे इंस्टाग्राम जहाँ अदर सोर्सेस से, तो मेल का रिस्पॉन्ड नहीं आता था सर, जो सर आप प्रोवाइड कराते थे वो सीधे मेल का रिस्पॉन्ड आ जाता था, ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता था सर। चलिए रवि, तो आपको कोर्स पसंद आया, इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है? हमारी सर्विसेज अभी भी कंटिन्यूड है, हम आपके साथ हमेशा हैं, कभी भी कोई भी जरूरत हो आप सर रीच एक आउट तो कीजिए। सर इधर 4 महीने आपने फिर फ्री दे दिया और डबल बैकअप मिल गया है सर। चलिए बढ़िया है जी, हमको लगता है जब भी स्टूडेंट के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, तो कुछ कुछ बैचेस में हम फ्री एक्सटेंशन भी दे देते हैं अगले 4 महीने के लिए। तो रवि, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब आप मेरे से पढ़ते आए हो थ्रू आउट 4 महीने, मैं देखता था क्लासेस में भी आप रेगुलरली रहते थे, तो मेरी पढ़ाई के तरीके में, पढ़ाने के तरीके में कोई इम्प्रूवमेंट जो आप सजेस्ट करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं सर, बहुत अच्छा है। अच्छा चलिए ठीक है जी, तो आप खुश रहें, मस्त रहें, और अपनी तैयारी करते रहें, और कंपनी में अच्छे से काम करें, प्रोग्रेस करें, और कोई भी यस ज़रूरत लगे वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच रवि, और ऑडियंस को भी बोलना चाहता हूँ, रवि जी से जो भी सीखा आपने वो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, आप चाहे मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन से करें या कहीं से भी करें, अल्टीमेटली अच्छी तैयारी होनी चाहिए और आपका प्लेसमेंट होना चाहिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव, थैंक यू सो मच रवि, थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। यू सर, थैंक यू सर।